हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस होगा, जो कि बॉक्सिंग नंबर 26 है और ये 7th ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। देर इज़ ए नीड फॉर सच बेसिक रूल इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाई विच द गवर्नेंस सिस्टम्स ऑफ दैट कंट्री कैन बी रन स्मूथली। यानी हर एक कंट्री को रूल करने के लिए जो है ना क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत चाहिए है। गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। इवन फॉर रनिंग एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रूल्स एंड द रेगुलेशंस एंड आर एडप्टेड, देयर फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेकर के हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सच बुक ऑफ द रिटन रूल्स हुज रूल्स हैव टू बी द फॉलोड बाई द सिटीजन लिविंग इन द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, इंडिया में। बाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन द रिलेशंस ऑफ सिटीजन्स विद द सिटीजन एंड सिटीजन्स विद द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड। यानी सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजन के साथ होता है और गवर्नमेंट के साथ इसका जो है ना संबंध होता है। अब देखिए फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कई फंक्शन है, आप इसमें से कुछ भी फंक्शन जो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन पूछे गया है उसमें आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो डेवलप द म्यूचुअल ऑपरेशंस, कोऑपरेशंस एंड ट्रस्ट अमंग द पीपल टू लिव टुगेदर इन द कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, जो लोगों के बीच में क्या करे, मतलब एक तरीके का सहयोग की फीलिंग को डेवलप करे, ताकि वो एक साथ रहे, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है क्लैरिफाई हाउ विल द गवर्नमेंट बी फॉर्म इन द कंट्री, और इसमें बताता जो कैसे कंट्री में गवर्नमेंट बनेगा, और हाउ विल इट वर्क, और किस तरह ये वर्क करेगा, हु विल हैव द राइट टू मेक द डिसीजन, और किसके पास इस तरह का डिसीजन होता है। थर्ड है डेमोक्रेटिक द पावर ऑफ द गवर्नेंस एंड द क्लैरिफाइज द राइट ऑफ द सिटीजन्स, एंड फोर्थ है एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी। एंड नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट, द कंट्रीज विच हैव ए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, देर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कंट्री है डेमोक्रेटिक, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होती ही है। जैसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिऑर्गेनाइज लाइक द इंडिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है। ग्रेजुअली अडॉप्टिंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नेंस सिस्टम हैज़ बीन ट्रेंड। यानी अब जो है ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए इसमें बेहद ही आसान से सारे क्वेश्चन का हमें आंसर देते हैं। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको सीधा सा आंसर देना है स्टूडेंट, सम रूल्स आर रिक्वायर्ड टू रन द कंट्री और इंस्टीट्यूशन, द कलेक्शन ऑफ दिस रूल इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री, दैट टू डेवलप द म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ट्रस्ट अमंग द ऑल द सिटीजन्स, एंड नेक्स्ट टू क्लैरिफाई द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टू क्लैरिफाई राइट ऑफ द सिटीजन। तीन लिख दिया, डेट्स इनफ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू डेमोक्रेटिक कंट्रीज एडॉप्ट ओनली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टू इंश्योर इक्वालिटी, टू यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ गवर्नेंस, टू अवॉइड कंट्रोवर्सी, यानी कंट्रोवर्सी वगैरह को ना हो इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट राइट एंड द राइट ऑफ द सिटीजन। द लिमिट ऑफ द राइट ऑफ द गवर्नेंस मीन्स द विच पावर्स ऑफ द गवर्नेंस कैन एक्सरसाइज एंड विच पावर्स कैन नॉट, वेयर इज द राइट ऑफ द सिटीजन्स इंश्योर इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑफ ऑल द सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है टेल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, डू यू ऑल्सो फॉलो द एनी रूल, यस आई टू फॉलो द रूल्स, बी इट इज ए रूल्स स्कूल्स हाउस और कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी को एक से दो दिन पहले इस चैनल पे वर्कशीट मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।